Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patak and today I am going to start Keynes Liquidity Preference Theory, जो कि एक पार्ट है आपका थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का, और थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एक पार्ट है आपका फैक्टर प्राइजिंग यूनिट का. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका फैक्टर प्राइजिंग है, तो इससे पहले जो कि जो भी आपके लेक्चर्स थे उसमें मैंने आप यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट और लोनवेल फंड थ्योरी, ये सारी हम यहाँ पर वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं. क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट ये पूरा अलग ही चैप्टर था, है ना. और एक मिनट बेटा मिनट, यहाँ पर जो आपका है हो जाएगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. ये आपका इंटरेस्ट होगा यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका इंटरेस्ट होगा. और लोनवेल फंड थ्योरी और कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की आज हम बात करेंगे, उसके बाद हम ISLM मॉडल डिस्कस करेंगे. तो ये सारा मैंने देखो इंटरेस्ट के पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था इंटरेस्ट के बारे में, सप्लाई ऑफ कैपिटल, डिमांड ऑफ कैपिटल, कैसे क्या बनती है, क्रिटिसिज्म वगैरह हुए थे आपके क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के. उसके बाद लोनवेल फंड थ्योरी मैंने डिस्कस करी थी और आज हम स्टार्ट करेंगे. क्रिटिसिज्म कुछ थे लोनवेल फंड थ्योरी के जो कि ऑफसेट कर दिए थे, जो कि कुछ इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो आपका लोनवेल फंड थ्योरी वो एक खरी थ्योरी उतर के आई थी. इट वॉज अ सिंथेसिस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड कीन्स प्रेफरेंस थ्योरी, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. ये कीन्स ने अपनी बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936, बहुत ही फेमस बुक है, आप सभी लोग इससे ऑलरेडी नोन हो गए, है ना. इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ सर्विसेज ऑफ मनी. कीन्स ने क्या कहा, कीन्स ने सीधा सीधा कहा कि जो इंटरेस्ट है ना ये क्या है, ये प्राइस है ऑफ द सर्विसेज ऑफ मनी, पैसे की जो भी सर्विसेज होती है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पैसे की सर्विस क्या है, पैसे की सर्विस है मान लो किसी के काम चलाना, है ना. अब मान लो कि किसी कोई व्यक्ति है, आपके पास पैसा है, किसी व्यक्ति का काम चलाना है, यानी अगर वो व्यक्ति आपसे पैसा लेगा तो उसके बदले में कुछ पे करेगा. क्या पे करेगा, पैसे का प्राइस. पैसे का प्राइस देखो, पैसे के बदले में या तो आप कुछ ना कुछ लेबर करोगे, जैसे मान लो आपने कहीं लेबर करा, आपने काम करा तो आपको पैसा मिला, यानी पैसे के बदले में आपने क्या पे करा, लेबर, आपने लेबर जो है किया आपने उनको दिया बदले में. लेकिन पैसे के मतलब अगर पैसा ही देना पड़े तो वो क्या होगा भाई, वो तो प्राइस हो जाएगा ना पैसे का. तो पैसे के बदले में पैसा कब देना पड़ जाता है, पैसे के बदले में पैसा, यानी जो है कि आपने अगर किसी से 1,00,000 रुपया ले रखा है तो 1,00,000 रुपया जो आपने ले रखा है वो तो उधार हो गया, उसके अलावा जो आप उनको अगर पे करोगे तो वो उसका होगा इंटरेस्ट. वही बात क्या कही कीन्स ने, कही कि इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ सर्विसेज ऑफ मनी. इंटरेस्ट इज मॉनेटरी फिनोमिना बिकॉज, इंटरेस्ट क्या है, मॉनेटरी फिनोमिना बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी. ये मॉनेटरी फिनोमिना ये डिपेंड करता है और ये डिटरमाइन होता है, ये डिमांड और सप्लाई से ही जो है कि पैसे का प्राइस तय होता है, यानी इंटरेस्ट तय होता है. तो ये बात सभी इकोनॉमिस्ट ने कही, चाहे वो आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए या जो इसके बाद लोनवेल फंड थ्योरी में जो बात कही गई है ना, तो वो बात हमेशा यही कही भाई जो डिमांड होती है, जैसे कि प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड होती है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, तो जहाँ पर क्लियर होता है वहाँ पर उसका क्या होता है, प्राइस होता है. सिंस इफ वी आर अज्यूमिंग, इफ वी आर टेकिंग मनी एज अ प्रोडक्ट, हम अगर पैसे को प्रोडक्ट मान लें, तो भाई जो जितना पैसा है मार्केट में उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई, है ना, जितना पैसा है मार्केट में उसकी सप्लाई हो जाएगी, और जो लोग मान लो कि पैसा रिक्वायरमेंट जिसको वो डिमांड करेंगे, तो जहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, उस पैसे का प्राइस, यानी प्राइस क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना. आर सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन मनी इन सर्कुलेशन एंड बैंक डिपॉजिट्स इन अ कंट्री. तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड करती है मनी इन सर्कुलेशन, जितना भी सर्कुलेशन में मनी है. देखो ऐसा है कि आपके क्लासिकल जो है, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन से ही पढ़ोगे तभी जो है कि आप आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको अच्छा लगेगा, है ना. क्योंकि जो है कि फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना समझने का, कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कंपैरिजन में ही क्या, वट वॉज डिफरेंट इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी अपार्ट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, तो ये सब चीज़ें इस तरह से आएगा, तो वो आपको समझना है. क्लासिकल थ्योरी में क्या मान लिया गया था, तो जो सप्लाई है ना, सप्लाई जो है कि केवल और केवल सेविंग को ही सप्लाई माना गया था, है ना. उसके बाद लोनवेल फंड थ्योरी में सप्लाई में सेविंग को माना गया था, कि सेविंग भी जो है कि एक तरीके का पैसे की सप्लाई जो है कि एज अ काम करती है, वो सबसे बड़ा ही उसका यूनिट है. उसके बाद जो है उसमें आपकी डिसहोल्डिंग हो गई थी, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया था, है ना, सप्लाई में प्लस बैंक क्रेडिट हो गया था, ये चार चीज़ें थी सप्लाई के अंदर, है ना. तो पुराना आप लेक्चर देख लीजिएगा. और यहाँ पर जो कीन्स ने कहा, यहाँ पर कीन्स ने सप्लाई को माना है कांस्टेंट और कहा है कि भाई जो भी ये सप्लाई मान लीजिए, सप्लाई कहा कि जो भी जो आपका मॉनेटरी अथॉरिटी है ना,
उसने इतना पैसा सर्कुलेशन में, एक टाइम पे ऐसा था नहीं कि बैंक बैंक रोज रोज सर्कुलेशन में पैसा बढ़ा रही है, एक निश्चित टाइम पे निश्चित पैसा होता मार्केट में सर्कुलेटेड, है ना। तो कहा कि वो सारा पैसे की वो सब सप्लाई है ना। कहते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन मनी इन सर्कुलेशन एंड बैंक डिपॉजिट्स इन अ कंट्री, ठीक है ना। ये सारा जो है कि सप्लाई को उन्होंने यहाँ पर मान दिया है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर मनी इज मेड इन एंटर टू होल्ड इट इज लिक्विड फॉर्म। डिमांड टू पैसा व्यक्ति क्यों, अब इन्होंने तो होल्डिंग की बात करी गई किसमें, लोनवल फंड थ्योरी में भी। तो लोनवल फंड थ्योरी को सिंथेसिस क्यों बताया गया कि एज अ ब्रिज काम क्यों कर रहा है। लोनवल फंड थ्योरी को बताया गया है कि लोनवल फंड थ्योरी एज अ ब्रिज काम कर रही है। ये बता दिया कि ये क्या है, लोनेबल फंड थ्योरी है ना। इसको ब्रिज क्यों बता दिया, क्योंकि यहाँ पर ये बता दिया कि ये किसके किसका किसके बीच में ब्रिज है। क्लासिकल जो आपकी थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, और किसके बीच में जो अभी हम बात कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इसके बीच में ब्रिज है। क्यों ब्रिज, इसलिए क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में इन्होंने सप्लाई में क्या लिया, सेविंग। तो ये तो इन्होंने ये भी यहां भी लिया, यानी इन्होंने इसमें क्या लिया, लोन ऑफ फंड थ्योरी में सेविंग भी इन्होंने लिया, प्लस इसमें जो है कि इन्होंने सेविंग में क्या लिया है, सप्लाई में क्या लिया है, होल्डिंग, कि लोग जो है पैसा होल्ड करके रखते हैं, यानी जमाखोरी करके अपने पास रखते हैं पैसा। पैसा लोग जमाखोरी करके रखते हैं, होल्डिंग करके रखते हैं कि भाई कोई अच्छा समय आएगा जब मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा ब्याज मिलेगा, तब जो है वो लोग डिसहोल्डिंग करेंगे, तब पैसा बाहर निकालेंगे और जो है कि तुरंत का शॉर्ट रन में वो क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। तो जो होल्डिंग की बात करी गई है, तो वो होल्डिंग इसने क्या करा, इस होल्डिंग को भी इंक्लूड करा है ना। तो ये चीज़ है। और इन्होंने जो है कि सेविंग की बात नहीं करी, इन्होंने सेविंग की बात नहीं करी, और इधर इन्होंने क्या है, होल्डिंग की बात नहीं करी। तो इसीलिए जो है कि ये थ्योरी आधी अधूरी मानी गई है, और ये बीच का ब्रिज माना गया, ये सबसे सटीक थ्योरी मानी गई है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे डिमांड फॉर मनी इज मेड, अब डिमांड कहाँ से होती है, किन से बता रहे हैं, डिमांड फॉर मनी इज मेड इन एंटर टू होल्ड, जो है कि होल्डिंग करने के लिए जो है कि डिमांड फॉर मनी जो है कि लोग जो है आपका जो है कि यहाँ पर होल्डिंग करते हैं। यहाँ पर मैं जो बता रहा था, ये जो है यहाँ पर ये होल्डिंग कहने का मतलब आप इसको सप्लाई मत मानिएगा। सप्लाई से तो उन्होंने ये इधर से सेविंग उठाया है ना, इन्होंने यहाँ पर सेविंग उठाया, उसके बाद यहाँ पर जो डिमांड है उसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, इसने क्या सप्लाई में सेविंग लिया था क्लासिकल ने, और डिमांड में इन्वेस्टमेंट उठाया था। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, इसने जो है कि इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन्होंने इससे उठाया इधर से, है ना। और होल्डिंग, होल्डिंग जो है कि डिमांड में आ जाएगा, और सेविंग वाला जो है कि सेविंग वाला इन्होंने कहा कि सीधा सीधा इन्होंने करियर सेविंग, सेविंग जो होती है वो सेविंग अविंग कुछ नहीं, सप्लाई जो होती है वो सेविंग अविंग से नहीं, वो कुल मिला के जो मॉनेटरी अथॉरिटी है ना, मॉनेटरी अथॉरिटी है ना, वही जो पैसा सर्कुलेट करती है इकोनॉमी में, वही पैसा एज अ सप्लाई काम करता है ना। तो यहाँ पर जो है कि इन्होंने डिमांड में इधर से होल्डिंग उठाया, इधर से इन्वेस्टमेंट उठाया, सप्लाई में इधर से सेविंग उठाया है ना, और इधर से जो है कि जो भी इसने सेविंग के सप्लाई में कौन कौन से फैक्टर बात करी गई थी, इन्होंने जो सप्लाई पैसे की बात करी वो उन्होंने सप्लाई सेविंग की बात करी थी इसने, और इसने इसमें डिसहोल्डिंग की बात करी गई थी ना, डिसहोल्डिंग की। अब सिंस दे हैव स्पोकन अबाउट होल्डिंग, तो इसका मतलब जो है कि ये कह रहे हैं कि भाई एक टाइम पे वो लोग डिसहोल्ड करेंगे शॉर्ट रन में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर दोनों बातें यहाँ पर इन्होंने ली है लोनल फंड थ्योरी में। डिमांड फॉर मनी इज मेड इन एंटर टू होल्ड इट ऑफ लिक्विड फॉर्म, है ना, कि जो कि भाई इन्होंने क्या करना है कि इन पैसे को लिक्विड फॉर्म में अपने पास जमाखोरी लोगों को करके रखना होता है, उसके लिए वो पैसे की डिमांड करते हैं। ईच इंडिविजुअल ऑफ फॉर्म नीड्स हार्ड कैश फॉर डे टू डे, ये बात बिल्कुल सच बात है कि भाई एक तो जो है कि हार्ड कैश लोगों को चाहिए होता है आज की डेट में, तो ये 1936 में लिखी गई थ्योरी है ना। उस टाइम पे आपका ये है ना, ये पेटीएम, फोनपे, गूगल पे ये सब नहीं था, जो है कि सीधा सीधा जो है कि आप इंस्टेंट, जो कि आज की डेट में हमने बहुत ज़्यादा लिक्विड हम मानते हैं ना, कि हमारे उसमें अकाउंट में पैसा है सेविंग में, बहुत ज़्यादा बहुत दबा के लिक्विड उसको मानते हैं, है ना। तो जो है कि यहाँ पर उतना लिक्विड उस टाइम पर वो नहीं था, बैंक में पैसा जमा कर दिया फिर आप हम तुरंत पे कर देते हैं, है ना, समोसा भी खाया तब भी पे कर दिया है ना। तो ये चीज़ें, तो उसको वो ज़्यादा लिक्विड हो गया है ना, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये जो बात कही, ईच इंडिविजुअल ऑफ फॉर्म नीड्स हार्ड कैश फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, इट इज ट्रू फॉर मीटिंग एन इमरजेंसी एक्सेट्रा, दोज पीपल हु नीड मनी फॉर देयर प्राइवेट एंड बिजनेस फंक्शन आर प्रिपेयर टू पे अ प्राइस फॉर सिक्योरिंग द सर्विस ऑफ मनी। भाई जिनको पैसा चाहिए, यानी जो है कि आप कोई दुकानदार है ना, अब उसको जो है कि अपने शॉप पे मान लो कि 20,000 का माल लाना है ना, तो ऐसा भी होता है कि भाई पर डे का जो है कि उनको कहीं ना कहीं से लोन मिल जाए,
तो 20,000 का अगर उनको मिल गया, मान लो अपने इमरजेंसी मीट करने के लिए उन्होंने 20,000 का लोन लिया, तो हो सकता है वो पर डे का मान लो 1,000 रुपये ब्याज दे रहा हूँ, जहाँ से ले रहे हो, जहाँ से भी ले रहे हैं वो, है ना, होता ना। तो इस तरह से ऑन द अदर हैंड दोज हु पॉजेस लिक्विड, और जिनके पास पैसा होता है ऑलरेडी, प्रेफर टू लिक्विड, प्रेफर टू लैंडिंग, जिनके पास होता है वो भाई, तो नॉर्मल चीजें हैं जी, मैं आप जो यहाँ पर देख रहे हो, दे विल बी दे विल ट्रांस दे फोर पार्ट पार्ट लिक्विडिटी। यहाँ पर क्या वो लोग क्या करेंगे, जिनके पास पैसा है दे विल दे फोर पार्ट लिक्विडिटी, मतलब जो उनके पास जो पैसा है, जो नगद राशि है, उसको क्या कर देंगे, पार्ट कर देंगे, अपने आप से दूर कर देंगे। और जो दूर करने पे उनको जो दर्द महसूस होगा, जो अपने भाई किसी की जेब से पैसा जा रहा, तो कहते हैं यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है, तो जो दर्द महसूस होता है ना, जो अपने आप अपने पास से पैसा दूर करने का, उस दर्द का जो भी रिवार्ड होता है ना, वही होता है इंटरेस्ट, है ना। उस दर्द का जो भी वो लेंगे रिवार्ड, लेके भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो मुझे जो चाहिए वही इंटरेस्ट होता है, यानी जो है कि देयर फॉर द पार्ट विद लिक्विडिटी ओनली इफ दे आर गिवन रिवार्ड, है ना। वो पैसा आप तभी अपनी जेब से दूर जो किसी को दोगे जब आपको रिवार्ड मिल रहा होगा। ऑफ प्राइस फॉर इट, दिस रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी इज कॉल्ड इंटरेस्ट, इसी को क्या कहते हैं इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू किस, इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी जो है कि आप लिक्विडिटी को, यानी कैश को अपने आप से दूर करते हो, तो उसको जो है कि जो आपको दर्द होता है, जो आपसे वो दूर चला जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ पेमेंट के रूप में चाहिए होता है, दैट इज इंटरेस्ट, है ना। मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर, तो यहाँ पर कीन्स ने क्या करा है, कीन्स ने आपके 3 मोटिव दिए हैं डिमांड फॉर मनी के, है ना। यहाँ पर जो है कि थ्री मोटिव्स है ना डिमांड। पहला मोटिव कौन सा, पहला मोटिव है कि बताया बताया कि भाई एक तो सबसे पहला तो सबसे बड़ा मोटिव है कि आपको ट्रांजेक्शन करना है। ये बिल्कुल भाई सच बात है, भाई ट्रांजेक्शन करने के लिए जो है कि हमको पैसा चाहिए होता है, तो सभी लोग जानते हैं। दूसरा मोटिव है कि लोग पैसा अपने पास रखते हैं प्रिकॉशनरी के लिए, है ना। जैसे प्रिकॉशन क्या होता है, कॉशन, कॉशन यानी सावधान, यानी सावधानी, कोई सावधानी से कोई अगर मान लो कि एक्सीडेंट हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई इमरजेंसी लग जाए, है ना, तो एक साथ पैसा उसके लिए चाहिए होगा कोई ना कोई घट, तो इस चीज़ के लिए जो है कि प्रिकॉशनरी पर्पज़ के लिए जो है कि लोग पैसा रखते हैं। तो एक तो ये है कि अब आप ये बताओ, ट्रांजेक्शन के लिए पैसा जो कोई व्यक्ति रखेगा, मतलब जो है कि अपने पास, तो जब उसकी इनकम होगी, उसको यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे उसको इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं होगा कि भाई कितना इंटरेस्ट चल रहा है तब वो ट्रांजेक्शन करेगा, ऐसा कुछ है बताइए। ट्रांजेक्शन वो तब करेगा उसके पास इनकम है ना। तो यानी ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली अ फंक्शन ऑफ, यानी जो है कि यहाँ पर अगर टी लिख लो यहाँ पर कुल मिला के ऐसे, है ना, तो यहाँ पर इट विल बी कम्प्लीटली अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये कम्प्लीटली जो है कि इनकम की फंक्शन होगी। और यहाँ पर प्रिकॉशनरी ये भी जो है कि कोई सावधानी के लिए पैसा रखते तो वो इंटरेस्ट देखते नहीं रखेगा भाई इंटरेस्ट ज़्यादा है कम है, इट इज़ नॉट, मतलब ये क्या होता है कि टोटली दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटरेस्ट, वट एवर द इंटरेस्ट इज गोइंग ऑन, बैंक इंटरेस्ट इज गोइंग ऑन इन द इकॉनमी, दे विल बी टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट, और देयर फॉर दे विल बी इंटरेस्ट इन इलास्टिक। ये जो है जो आपके ट्रांजेक्शन ही, जो आपकी डिमांड है और आपकी प्रिकॉशनरी डिमांड है, दे बोथ विल बी इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ये होंगे। और ये फंक्शन किसके होगी, यहाँ पर भी अगर प्रिकॉशनरी जो मनी है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन मनी और ये आपका मनी कर लो या डिमांड कर लो कुछ भी, तो इट विल ये फंक्शन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा आपका किसका, यहाँ पर भी इनकम का, अगर इनकम है तभी जो है कि लोग पैसा इतना जो है कि प्रिकॉशन के भी कर लिए रखेंगे, है ना। और तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड तीसरा आपका है स्पेकुलेटिव डिमांड। अब भाई ये क्या, यही तो है, ये आपका क्या है कि लोग पैसा रखते हैं सेविंग करके, या मतलब होल्डिंग अपने पास करते हैं, है ना, इंटरेस्ट देख करके, क्योंकि ये इसका मतलब क्या, ये स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब लोग पैसा अपने पास जमा करके रखते हैं फ्यूचर में, जो है कि अगर मार्केट के में कोई इंटरेस्ट में चेंजेस होते हैं, मार्केट में कोई कुछ कमाने का मौका मिलता है ना, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि भाई अपना जो है कि मान लो कि पैसा मान लो 1 लाख रुपए रखे हुए हैं कि भाई चलो कोई ना कोई मौका है, जैसे ही मान लो कि शेयर डाउन हुए वैसे हम खरीद लेंगे और ऊपर बेच देंगे जाके, तो हमको शॉर्ट रन में प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, यानी जो है कि जैसे शेयर डाउन हो गया, मान लो कि ब्याज, जैसे मान लो जैसे सस्ता ब्याज हुआ आरओआई, है ना, तो वहां पर क्या होगा कि अभी तो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, अभी ब्याज सस्ता है मान लो सपोज, तो वो लोग होल्ड कर रहे हैं, जैसे ही ब्याज महंगा होगा वैसे ही क्या करेंगे, बैंक में पैसा वो जमा कर देंगे जाके, है ना। अब बैंक में जब पैसा जमा कर देंगे जाके, तब जो है कि उनको अच्छा ब्याज मिल जाएगा, जो भी अगर कोई स्कीम्स निकलेगी, बहुत से लोग होते हैं इसी बात के लिए बैठे होते कि भाई इसको स्कीम आने दो तब यार पैसा लगाएंगे, है ना। तो यानी वो होता है स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेशन डिमांड। तो स्पेकुलेशन आदमी कब करता है, स्पेकुलेशन जो है कि आदमी इंटरेस्ट देख के करता है। और हम ये नहीं कह सकते दैट इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ
इनकम, और इट इज इनकम इनइलास्टिक, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखो इनकम होगी सबसे पहला तो मुद्दा, हर चीज में इनकम आता है कि भाई पैसा है उसके बाद ही कुछ। देखो पैसा है उसके बाद आपने क्या करा, इनकम है तो आपने जो है कि इंटरेस्ट देखा, इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज है चल रहा है वो आपने देखा, और उसके बाद जो है कि आप उसका स्पेकुलेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर तो स्पेकुलेशन मनी है ना, तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ, कुछ बुक्स में केवल और केवल आर दे रखा है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आर यहाँ पर वाई, और कुछ बुक्स में केवल आर है कुछ बुक्स में वाई आर है ना, कि स्पेकुलेशन मनी इज द फंक्शन ऑफ इनकम एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यू विल ऑल्सो भी सेटिस्फाइंग, और यू विल ऑल्सो भी सेटिस्फाई दैट स्पेकुलेशन मनी जो है कि वो भाई इनकम का जरूर फंक्शन होगा। क्योंकि भाई पहले तो इनकम होनी है, होगी ना आपकी, तभी तो आप स्पेकुलेशन करोगे। मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, ज़्यादा हो गया है, इनकम है ही नहीं, तो आप क्या कर पाओगे स्पेकुलेशन, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सो स्पेकुलेशन इज द फंक्शन ऑफ आपका मनी एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही चीज़ जो है कि यहाँ पर आपको मेरे पीपीटी में दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वींस देर आर थ्री मोटिव ऑफ डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जो जिसमें कि पहला कौन सा आपका ट्रांजेक्शन मोटिव, विच डिपेंड अपॉन साइज ऑफ इनकम है ना, ये साइज ऑफ इनकम ये जो है कि आपका इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करता है, और किस पर डिपेंड करता है, पीरियोडिसिटी है ना, ये आपका हो जाएगा पीरियडिसिटी, यानी जो है कि भाई कितने पीरियड में आपको इनकम मिल रही है, जैसे मान लो 7 दिन में मिल रही है, 15 दिन में मिल रही है ना, तो जितना फास्ट आपको जो कि पैसा मिलेगा उतना ही फास्ट आप क्या करोगे और ट्रांजेक्शन कर पाओगे। मान लो अगर आपके आपको तनख्वाह केवल 6 महीने में मिले तो फिर जो क्या करोगे आपको, क्योंकि जितनी जल्दी पैसा मिलता है व्यक्ति को उतना जल्दी वो खर्च कर देता है, फिर वो शांत बैठ जाता है, ऐसा होता नहीं होता बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना फास्ट पैसा मिलेगा, यानी जितने पीरियड में पैसा मिलेगा इनकम को, तो उसके हिसाब से वैसा ही उसका जो है कि ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ इनकम, पीरियडिसिटी ऑफ इनकम रिसीव्ड, एंड मोड ऑफ एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर का मोड कौन सा है ना। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर LT का मतलब है लिक्विडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन है ना, इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है ना। दूसरा क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर अनसीन है ना, अनसीन कंटिजेंसीज, अनसीन यानी जो है कि मैंने कहा ना एक्सीडेंट वगैरह, या मान लो कोई इमरजेंसी पड़ जाए है ना, एक साथ कोई इमरजेंसी आ जाए, तो लाइक डेंजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो कि सकता है आदमी काम कर रहा है बेरोजगार हो जाए है ना, अब बेरोजगार हो गया तो भाई उसका पैसा नहीं तो वो क्या करेगा, दिक्कत। तो आदमी कहता सोच के चलता कि चलो इतना पैसा तो भाई रखो इमरजेंसी के लिए, कोई दिक्कत हो जाए, मान लो नौकरी वोकरी छूट जाए तो काम, सिकनेस एंड एक्सीडेंट वगैरह। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये किसकी फंक्शन है आपकी इनकम की है ना, ये चीज़ है। उसके बाद तीसरा है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मैंने कहा था कि भाई ये क्या, डिजायर टू होल्ड लिक्विडिटी इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन ROI, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस आते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया या बॉन्ड प्राइस की कीमतें घट गई तो हमने पैसा वहां पर डाला और बढ़ा के पैसा निकाला है ना, हायर द करंट ROI लेसर द लिक्विडिटी हेल्ड। अब इसमें देखो तो रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ मैं मुझे भी बता ये भी बताना है कि एक्चुअल में रिलेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हायर द ROI, यानी जो है अभी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, अभी अगर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप ये स्पेकुलेशन करके करोगे, ज़्यादा करोगे कम करोगे, भाई स्पेकुलेशन पर आप कम करोगे, यानी स्पेकुलेशन का मतलब पैसा होल्ड कम करोगे, पैसा होल्ड कम करोगे, आप क्या करोगे सीधा सीधा वहाँ पर पैसा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो सीधा सीधा आप लगाओगे वहाँ पर पैसा है ना। तो यानी जो है कि ये क्या है, हायर द करंट ROI लेसर द लिक्विडिटी हेल्ड, यानी जो है कि लिक्विडिटी यानी जो कैश में आप पैसा पर कम रखोगे, लिक्विडिटी यानी जो कि जो लिक्विडिटी है वो आप क्या करोगे कम रखोगे, अगर जो है कि ROI कम है तो आप जो है कि लिक्विडिटी, अगर कम है तो लिक्विडिटी ज़्यादा, क्योंकि आपको मार्केट में ब्याज तो मिली ना बढ़िया, तो आप पैसा कहोगे चलो अपने पास में नगद ही रखा वही सबसे बढ़िया है, अपने पास में आप रखोगे पैसा ना, क्योंकि मार्केट में तो भाई तंगी चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज आज मिल रही ना, तो उससे बढ़िया पैसा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखो है ना। तो यानी इवन ROI इज लेस देन आपका ये क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी ऑफ स्पेकुलेशन विल बी हाई, अब जब ROI ज़्यादा होता तो आप लिक्विडिटी स्पेकुलेशन वो आपका करो कम करोगे है ना। तो इसका कि कैसा बन जाएगा, अगर आप इसका बन जाएगा नेगेटिवली स्लोपिंग है ना, ये आपका हो जाएगा ROI है ना, ROI है इधर, और ये आपका हो जाएगा लिक्विडिटी ऑफ स्पेकुलेशन, ये आपका हो जाएगा क्वान्टिटी ऑफ मनी है ना, इस तरह से इसका क्या नेगेटिव बनेगा ग्राफ है ना। तो अगर आप यहाँ पर M1 और यहाँ पर जो आपका इनकम वाला जो है, यहाँ पे इनकम जो आपका यहाँ पर M1 वगैरह था ये वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आप क्या करोगे ट्रांजेक्शन क्या करोगे ज़्यादा करोगे है ना, ये ऐसा बनेगा। और दूसरा वाला भी आपका क्या, प्रिकॉशनरी, इनकम ज़्यादा तो आप प्रिकॉशनरी यानी जो है कि तो पैसा प्रिकॉशनरी के लिए रखोगे वो भी आप ज़्यादा रखोगे है ना, ये दोनों इस तरह से आपका पॉजिटिवली लिंक होते हैं। अगर जो है कि M1, अब जो है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं थोड़ा ना जो कि आगे की तरफ,
अगर M1 मैंने मान लिया कि प्रिकॉशनरी और ट्रांजेक्शन डिमांड का पैसा है ना, M1 क्या है, वो प्रिकॉशनरी और ट्रांजेक्शन डिमांड के लिए लिक्विडिटी है, देन M1 इज परफेक्टली ROI इनलास्टिक। मैंने कहा क्या क्या कहा कि भाई ट्रांजेक्शन और आपका प्रिकॉशनरी का जो आप पैसा रखते हो वो जो है कि उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेना देना नहीं होता है। आप मान लो ये पेन खरीदने जा रहे हो, तो आप जब उसे पैसा दोगे तो आप कैसे सोचो कि अभी भाई भैया ब्याज कितना चल रहा है अभी, वो कहेगा भाई ब्याज से क्या लेना देना यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप तो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपको तो सीधे इनकम से मतलब है कि अगर आपकी इनकम है तभी आप कहोगे चलो पेन ले आए, चलो फ्रिज ले आए, चलो TV ले आए, चलो ये ले आए, चलो वो ले आए, आप ब्याज थोड़ी नहीं देखते वहां पर, ये चीज है, समझ रहे भाई। जो चीज़ ट्रांजेक्शन के लिए आपको करना है, ट्रांजेक्शन आपका वही होता है डेली नीड्स वाला होते हैं, वही सब ट्रांजेक्शन होते हैं, तो नीड से आप ब्याज से नहीं आपको मतलब होगा। तो ये क्या है, ये आपका परफेक्टली इनलास्टिक और प्रिकॉशनरी भी आपका क्या होता है, परफेक्टली इनलास्टिक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इज कम्प्लीटली द फंक्शन ऑफ इनकम, कम्प्लीटली क्या है, फंक्शन ऑफ इनकम। सिमिलरली इफ M2 इज द स्पेकुलेटिव डिमांड देन M2 इज फंक्शन ऑफ ROI एंड Y। तो ये आप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर M जो है कि ये सब मिला के रहा, अगर M जो है कि वो अगर M1 + M2 हो, यानी जो कि टोटल मनी सप्लाई है ना, M1 + M2 टोटल, हाँ टोटल मनी डिमांड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मनी डिमांडेड विल बी इक्वल टू इज फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ये उसकी फंक्शन हो जाएगी। अब जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, अगर डिमांड ऑफ मनी जो है कि वो कितने बराबर है सप्लाई ऑफ मनी, वही जो इक्विलिब्रियम की बात आ जाए तो ये भी वही कहेंगे ना, कि जहाँ पर डिमांड टू सप्लाई इक्वल है वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। टोटल डिमांड फॉर मनी इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ ROI। भाई टोटल डिमांड फॉर मनी, टोटल डिमांड फॉर मनी क्या है, इनवर्स, यानी जो कि अगर कोई पैसा मांगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, कम पैसा मांगेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो फिर वो ज़्यादा पैसा मांगेगा। वही बता रखा ना यहाँ पे कि डिमांड फॉर मनी इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ ROI, सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सोजीनियसली, है ना, इन्होंने कहा, कीन्स ने कहा कि जो सप्लाई ऑफ मनी वो एंडोजीनियस नहीं, एंडोजीनियसली डिसाइड नहीं होती, वो एक्सोज यानी एक्सटर्नल फैक्टर ही उसको डिसाइड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर कौन है, RBI है ना, जो भी आपकी मॉनिटरी अथॉरिटी होगी वही क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी जो है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सप्लाई जो है कि वो सेविंग पर डिपेंड होगा, सेविंग पर डिपेंड रहेगी या इस पर डिपेंड रहेगी, उस पर डिपेंड रहेगी, है ना, या डिसोर्डिंग पर डिपेंड रहेगी या डिस इन्वेस्टमेंट, उन्होंने उसका उन्होंने जो कि कोई भी एंडोजीनियस फैक्टर नहीं उठाया, जैसे कि आपका लोन और फंड तो नहीं उठाया गया था, है ना, यहाँ पर उन्होंने कहते हैं जो एक्सोजीनियस फैक्टर है, जैसे कि आपको जो मॉनिटरी अथॉरिटी है वही डिटरमाइन करेगी, वही पैसा जो बताएगी वही कितना जो है कि आपका सर्कुलेशन में रहेगा कितना नहीं रहेगा, यानी सप्लाई ऑफ द मनी इज एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड बाई मॉनिटरी अथॉरिटी एंड इज फिक्स्ड, ये बता दिया, देखो ये और क्या, एंड इज फिक्स्ड एट अ गिवन टाइम, हैंस टेकन एज कॉन्स्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन थ्रू MD एंड MS, यानी जो है कि इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन थ्रू आपका ये क्या है, मनी डिमांड एंड मनी आपका जो है कि स्पेकुलेशन करने के लिए सप्लाई फंक्शन इज नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, यानी जो है इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन जो होता है थ्रू मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, है ना, फंक्शन इज नोन एज लिक्विडिटी, यानी जो कि वही ये सब हर जगह सेम चीज़, मनी डिमांड और मनी सप्लाई जितनी भी होती है उसका जहाँ पर भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है तो वही उसी को यहाँ पर उन्होंने कह दिया लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सप्लाई कॉन्स्टेंट ले लिया है कि सप्लाई कॉन्स्टेंट रहती है और सप्लाई जो है कि आपका एक्सटर्नल जो एक्सोजीनियस फैक्टर होते हैं उनसे डिटरमाइन होती है, बाकी जो है कि इन्होंने डिमांड जो है कि मनी डिमांड के 3 मोटिव दिए हैं आपका, सबसे पहला है ट्रांजेक्शन मोटिव, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव और थर्ड है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, क्रिटिसिज्म क्या है, तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली मैं आपको पहले बता दूं कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने किसी से प्रतिपादित करा अपना पूरा ये, है ना। तो देखो मनी डिमांड आप जानते हो भाई, डिमांड का हमेशा इस तरह से ग्राफ होता है ना, और सप्लाई का इस तरह से होता है, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो यहाँ पर कीन्स की कंडीशन है वो क्या है, ये डिमांड होता है, ये सप्लाई नॉर्मली होता है ऐसा, लेकिन कीन्स का क्या कहना है, कीन्स का कहना है भाई सप्लाई तो कॉन्स्टेंट है। कीन्स ने कहा, देखो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से कीन्स का ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर किसने क्या कहा कि देखो भाई साहब सप्लाई है कॉन्स्टेंट, यानी सप्लाई को लेंगे ये ऐसे, ये सप्लाई है ना, और डिमांड चूंकि है, डिमांड जो है कि वो क्या, डिमांड के 3 मोटिव हैं, एक आपका कौन सा डिमांड है, आपका ट्रांजेक्शन डिमांड है ना, आपका जो हो जाएगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन डिमांड है ना, यहाँ पर अगर आप ऐसे कर लो इस तरह से, यहाँ पर डिमांड है ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए, है ना, मनी डिमांड है ट्रांजेक्शन के लिए, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा,
डिमांड है, मनी डिमांड है आपका किसके, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, मनी डिमांड है आपका स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर दो कौन, अगर अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट में, तो ये वाले अलग अलग बने कौन से, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आपको ये तीनों एक एक में कंबाइन कर देना है तो ये कैसे बनेगा आपका, इस तरह से इट विल बी अ सप्लाई कर्व, और इस तरह से आपका डिमांड बन जाएगा, ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से ये आपका जो है कि मनी डिमांड, जो टोटल मनी है ना, जो M1 प्लस M2 हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर बनेगा, है ना। अब जो है कि जैसे कि अदर जो कि भाई कीन्स तो इस बात में माहिर है कि उन्होंने क्लासिकल्स जो हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो अपनी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दी थी, तो उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा था कि भाई कई कई आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं, आपने भाई यहाँ पर बहुत जो है कि सप्लाई को आपने बहुत ज़्यादा नैरो वे में लिया है, कि सप्लाई यू हैव ओनली ट्रीटेड सेविंग एज सप्लाई, अपार्ट फ्रॉम सेविंग मैनी अदर फैक्टर्स आर देयर लाइक डिसऑर्डरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट एंड मैनी अदर फैक्टर्स आर देयर, बट यू हैव ओनली टेकन सेविंग, है ना। और इनडिटर्मिनेसी की बात करी कि भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। इन्होंने ये कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, किससे, क्लासिकल तक, कि भाई आरओआई पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको, आप कह रहे हो कि सेविंग और जहाँ पर डिमांड कट कर रहा है, यानी यूके उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ही क्या करेगा, डिसाइड आरओआई। लेकिन भाई आप कैसे आरओआई डिसाइड कर सकते हो जब तक आपको सेविंग नहीं पता है, क्योंकि आप सेविंग नहीं पता कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो आरओआई। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे क्रिटिसाइज करा था क्लासिकल ने, बट सेम फॉर वॉट ही क्रिटिसाइज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, द सेम मिस्टेक ही डिड इन हिज ओन थ्योरी, है ना। और उसके लिए बाद में हिज थ्योरी वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज। देखो पहला तो क्रिटिसिज्म आपका यही है, इनडिटर्मिनेट, यानी जो यहाँ पर भी क्या है, आर ओ आई ये इनडिटर्मिनेट यहाँ पर इनका माना गया है, यानी डिटरमाइन नहीं कर पाया, कैसे, कि डिमांड कैन नॉट बी नोन अनलेस आर ओ आई नॉट नोन। यहाँ पर क्या है, इन्होंने सप्लाई तो भाई बता दिया कि सप्लाई तो मान लो कि इन्होंने अपने ऊपर लिया ही नहीं वो जिम्मेदारी सप्लाई की, सप्लाई की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली ही नहीं, इन्होंने कहा सप्लाई डिटरमाइंड बाय एक्सोजीनियस फैक्टर, यानी आरबीआई विल बी जो भी डिसाइड करेगी, डिसाइडिंग व्हाट एवर द मनी सर्कुलेशन शुड बी केप्ट इन द मार्केट, तो वही जो है कि मनी सर्कुलेट करा जाएगा मार्केट में, है ना। लेकिन जो है भाई यहाँ पर अगर डिमांड की आपने बात की, तो डिमांड भी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि बिना आरओआई, क्योंकि डिमांड जो है कि डिमांड कौन करता है, व्यक्ति डिमांड सपोज करेगा स्पेकुलेशन के लिए। अब स्पेकुलेशन की अगर व्यक्ति डिमांड करेगा, है ना, कि पैसा स्पेकुलेशन, तो वो आरओआई देखेगा ना पहले, वो ज़्यादा आरओआई पे क्यों डिमांड करेगा, अगर आरओआई ज़्यादा है तो वो डिमांड ही नहीं करेगा, फिर वो कहेगा भाई इतने जगह, अगर मैं इतने मोटे पैसे पे अगर मैं पैसा डिमांड करूँगा तो फिर मैं कमाऊँगा क्या, तो वो आरओआई चेक करेगा कम है ज़्यादा, अगर आरओआई कम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तब पैसा वो डिमांड करेगा, बाय थिंकिंग दैट व्हेन व्हेन आरओआई विल बी इंक्रीजिंग देन आई विल बी गिविंग और आई विल बी लेंडिंग मनी टू एनीवन एल्स एंड आई विल बी अर्निंग शॉर्ट रन प्रॉफिट, तब वो जो है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाएगा। तो वो भाई आरओआई देखेगा ना पहले, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करेगा, उसके बाद ही डिमांड करेगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई जहां पर आपका सप्लाई और डिमांड कट करे वही आपका आरओआई। अरे भाई साहब आरओआई तो पता ही नहीं है अभी ना, डिमांड आपने कैसे कह दिया कि डिमांड कट करेगा, पहले तो डिमांड पता करने के लिए आरओआई ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो मतलब यानी जैसे इन्होंने क्लासिकल को क्रिटिसाइज करा था, सेम क्रिटिसिज्म वॉज मेड इन हिज थ्योरी ऑल्सो, ठीक है ना। तो पहला तो आपका क्रिटिसिज्म हो गया, दूसरा क्रिटिसिज्म क्या, मोर इम्फेसिस ऑन मॉनेटरी फैक्टर, यहाँ पर इन्होंने मॉनेटरी फैक्टर बहुत ज़्यादा जो है कि क्या कर दिया, इम्फेसिस कर दिया, कि इन्होंने कह दिया भाई डिमांड जो है कि आपका ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए, यानी मॉनेटरी फैक्टर की बात कर दी, जो कि आपका प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए चाहिए, स्पेकुलेशन के, यानी हर जगह उन्होंने पैसे की बात करी है ना, पैसे की, मॉनेटरी अथॉरिटी सप्लाई में पूरा मॉनेटरी अथॉरिटी को ही लिया है। तो यहाँ पर जो है कि कुल मिला के यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा जो है कि मॉनेटरी फैक्टर की बात करी, ये भी क्रिटिसिज्म में। सेविंग इग्नोर, इन्होंने सेविंग को इग्नोर ही कर दिया, सेविंग का नाम ही नहीं लिया सप्लाई में, सेविंग जबकि सबसे बड़ा फैक्टर सप्लाई, भाई सप्लाई जो मार्केट में पैसे की वो किसका पैसा है, हम लोगों का ही तो पैसा है जो हम लोगों ने बैंकों में जमा कर रखा है। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहें तो आपको बैंक लोन देगी, उसका पैसा बैंक का अपना कोई पैसा है नहीं, हम लोगों का ही पैसा रखा है वहाँ पर। तो यानी सेविंग इज द मेन सप्लाई ऑफ मनी, तो वो जो कि वहाँ पर सेविंग इन्होंने इग्नोर कर दी। ओनली शॉर्ट रन पीरियड एनालिसिस, यहाँ पर इन्होंने केवल केवल शॉर्ट रन पीरियड एनालिसिस करा है, यहाँ पर लॉन्ग रन की बात, कीन्स ने हमेशा शॉर्ट रन की ही बात करी है, तुरंत की बात करी है, लॉन्ग रन पीरियड की बात ही नहीं करी। तो ये भी आपका क्रिटिसिज्म है, इनकंसिस्टेंट, यानी इनकी थ्योरी का इनकंसिस्टेंट ड्यूरिंग द डिप्रेशन, कैसे कैसे भाई, क्योंकि इसका रीजन है कि डिप्रेशन का जब टाइम होता है तब उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लो होता है। तो भाई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो इनका कहना है कि जो स्पेकुलेशन के लिए पैसा है ना वो जो है कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा मांगा जाएगा, यानी जो डिमांड क्या होगी ज़्यादा होगी। तो
लेकिन डिप्रेशन के टाइम पे क्या है, आरओआई लो होता है, देन टू उसके बावजूद भी स्पेकुलेशन इज लो, उसके बाद भी पैसा नहीं मांगते हैं लोग स्पेकुलेशन के लिए, है ना, क्योंकि डिप्रेशन का टाइम है वहां पर। क्या होता है ड्यूरिंग डिप्रेशन, आरओआई इज लो, देन टू स्पेकुलेशन इज लो, उसके बावजूद भी लोग जो है कि पैसा जो है कि स्पेकुलेट नहीं कर पाते हैं। भाई पैसा एक स्पेकुलेशन पे ज्यादा हो जाना चाहिए ना उस टाइम पे जब आरओआई लो है, लेकिन डिप्रेशन में तो ऐसा हो नहीं, होता ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो होता है, अब पैसा लोग अपने पास जमा भी नहीं कर पाते हैं, तो ये उल्टा हो गया ना। बूम के टाइम पे क्या होता है, आरओआई जो है कि बहुत ज़्यादा होता है ना, उसके बाद तो उसके टाइम पे जो है कि लोग अपने पास स्पेकुलेशन कर ही ना पाए पैसा बिल्कुल, है ना, जो कि सारा का सारा उसमें लगा दें, लेकिन उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाता है लोगों के पास, है ना। तो ये चीज़, तो ये आपका क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंट, सेल्फ कंट्राडिक्टरी, बैंक डिपॉजिट्स आर टू हाई लिक्विड व्हिच आर इग्नोर्ड। सेल्फ कंट्राडिक्टरी कैसे, बैंक डिपॉजिट जो है कि वो टू हाई लिक्विड है, इन्होंने केवल और केवल तीन जो है कि उसमें, अब क्या नाम है, एक ट्रांजेक्शन, एक प्रिकॉशनरी है कि उन्होंने स्पेकुलेशन लिया, और जो है कि यहाँ पर लिक्विडिटी की बात उन्होंने करी, लेकिन जो है कि बैंक जो डिपॉजिट है उसकी बात ही नहीं आ रही, वही कुल मिला के सेविंग की जो बात है वो इन्होंने यहाँ पर बात ही नहीं करी, दैट वॉज ऑल्सो एन क्रिटिसिज्म। उसके अलावा ये इनके पाँच क्रिटिसिज्म और हैं, बाकी 10 क्रिटिसिज्म के बाद यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा ये वाला आपका, जो आपके कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस हो रही है। इन एडुकेट टू एक्सप्लेन वेरिएबल इन आरओआई एज पीपल इम्पार्ट लिक्विडिटी एट डिफरेंट डिफरेंट आर। अब देखो ऐसा है, मान लो कि किसी के पास मान लो 1 लाख रुपए है, तो वो जरूरी थोड़ी है 1 लाख रुपए 10% के रेट पे, भाई इसको 10,000 दिया, इसको 10,000 दिया, तो इसको 10% दिया, इसको इसको भी 10% दे, भाई डिपेंड करता है कंडीशन कंडीशन के हिसाब से। भाई किसी को मान लो कि 10% के हिसाब से दिया लोन, ब्याज 10% अप्लाई कर दिया, कोई आया उसको लग रहा है कि हम नहीं जो है कि ये कोई जानने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसको बढ़ा के दे सकता है ब्याज, है ना, तो ब्याज इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा, इन एडिक्वेट टू एक्सप्लेन वेरिएबल इन आर वाई पीपल इम्पार्ट लिक्विडिटी एट डिफरेंट डिफरेंट पीपल, जो है कि लोग पैसा जो है कि डिफरेंट डिफरेंट आर ओ आई पे देते हैं। एयर था आपका क्या क्रिटिसिज्म, अदर डिमांड्स ऑफ लिक्विडिटी कैन ऑल्सो बी देयर लाइक। यहाँ पर दो इन्होंने केवल तीन मोटिव लिए, कौन सा, ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव, लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि भाई इसके अलावा और भी तो मोटिव हो सकते हैं, जैसे किसी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो बिजनेस एक्सपेंड ना तो आपका इसमें आ गया ट्रांजेक्शन, ना तो प्रिकॉशनरी में आया ना तो स्पेकुलेशन में आया, बिजनेस एक्सपेंड करना है किसी को तो वो पैसे की डिमांड करेगा, तो वो तो आपने लिया ही नहीं है। कन्वीनियंस मोटिव, यानी किसी को मान लो कि कूलर, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, या मान लो कहीं घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है, उसके लिए पैसे की डिमांड करेगा, वो भी आपने नहीं, आपने यहाँ पर इंक्लूड करा है ना। अपार्ट फ्रॉम ओनली थ्री मोटिव विच वॉज कीन्स, जो तीन ही मोटिव आपने दिए। नाइन्थ आपका अनरियलिस्टिक अजम्पशन, कौन सा अजम्पशन, दैट पीपल कैन होल्ड देयर वेल्थ ईदर इन कैश फॉर्म और इन बॉन्ड। बॉन्ड भाई आपने कह दिया कि वेल्थ जो है लोग केवल और केवल या तो कैश की फॉर्म में रख सकते हैं या तो बॉन्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन टोविन एक साइंस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि दिस डेज शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स कैन इनेबल पीपल टू एंजॉय एडवांटेज ऑफ लिक्विडिटी एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आज की डेट में आप देखो, पहले 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए पैसा आप किसी को दो, बैंक ऑफर करते हैं कि भाई 1 महीने के लिए पैसा जमा करो, इतना इतना आपको जो है कि ब्याज भी दे देंगे, और आप एक एक महीने के अंदर निकाल भी सकते हो पैसा, यानी जो कि वो ऐसे ऐसे प्लान बन गए हैं कि उन्होंने कहा कि भाई ये 5 साल की आप FD करवाओ, और अगर बीच में पैसा चाहिए तो ले लो पैसा, यानी वो लिक्विड भी है, ब्याज भी मिल रहा है, दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने कह दिया कि भाई केवल और केवल दो फॉर्म में लोग पैसा रखें, या तो अपनी वेल्थ में रखें और या जो है कि कैश में रखें, वेल्थ में रखेंगे तो वेल्थ में रखेंगे तो कैश कैश नहीं मिलेगा उनको, यानी अगर उन्होंने ने बैंक में पैसा जमा कर दिया FD में, तो जो है कि वो FD में ही रहेगा, फिर वो जो है कि उनके पास कैश में उनको नहीं मिल सकता है, अगर कैश है तो फिर उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो ये बात कही। लेकिन इट इज़ सही तरीके से, पूरी तरीके से ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपने कुछ करवा रखा है, मान लो कि आपने बैंक बैंक में, तो बैंक वाले बीच में आपको पैसा दे देते हैं, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, अब इन्होंने एक लिक्विडिटी ट्रैप की बात करी है ना, लिक्विडिटी ट्रैप की बात करी है, ये बहुत समझाना जरूरी है आपके लिए। तो लिक्विडिटी ट्रैप की इन्होंने ये बात करी है कि ये है आपका आरओआई, है ना, ये आपका है आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना। तो लिक्विडिटी ट्रैप ऐसे है, यानी जो है एक टाइम पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन है ना, ये आपका कौन सा पोर्शन, लिक्विडिटी ट्रैप, है ना, लिक्विडिटी ट्रैप, यानी जो है अगर कोई व्यक्ति है ना, सपोज वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उस पर मनी डिमांड क्या करेगा, कम करेगा, उस पर क्या है पैसे की डिमांड क्या करेगा, कम करेगा, यानी इतनी करेगा, यानी अगर मनी ज़्यादा अगर यहाँ पर है तो देखो पैसे की डिमांड और कम करेगा, और कम कर देगा, है ना, मान लो इधर आ जाएगा थोड़ा यहाँ पर, यानी इतना इतनी उसमें कम कर दी डिमांड, है ना।
और यहाँ पर है, यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम है, यानी इतना है रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इतना था तो इतनी इतनी कर रहा था, अब मान लो इतना आ गया यहाँ, यहाँ पर आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यानी यहाँ पर इतनी डिमांड करेगा, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर इतनी डिमांड करेगा, इतनी कर देगा। लेकिन फिर जो है कि उसके बाद जो है कि फर्क नहीं पड़ता है, फिर जो है कि देखो डिमांड इनफाइनाइट डिमांड कर देगा, यानी इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनफाइनाइट डिमांड कर देगा, यानी ये क्या हो गया, लिक्विडिटी ट्रैप हो गया यहाँ पर। यहाँ पर जो है कि आरओआई जो है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो है कि क्वांटिटी जो डिमांड है ना वो इनफाइनाइट हो जाती है, यानी जो है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो आरओआई पर डिपेंड नहीं करती है, वो आरओआई जो है कि कम से कम जो आरओआई है ना वो यहाँ पर इसको ट्रीट कर लेती है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्रीट कर लेती है, और जो है कि यहाँ पर इनफाइनाइट जो है कि क्या हो जाती है, मनी डिमांड, यानी आप कह सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हेयर इज परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, परफेक्टली आपका क्या होता है, इलास्टिक हो जाता है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, तो जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परफेक्टली इलास्टिक, यानी जो है कि हल्का सा भी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो देखो मनी डिमांड क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाती है ना। जैसे मान लो यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर तो ये इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यार इतनी डिमांड कर रहा था, और जैसे ही इतना हल्का सा कम नीचे हुआ तुरंत देखो ये डिमांड इनफाइनाइट चली गया ना, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा लिक्विडिटी ट्रैप वाला पोर्शन, है ना, लिक्विडिटी ट्रैप वाला पोर्शन। इसमें बस आपको एक ही पॉइंट लिख लीजिएगा, व्हेन आर ओ आई इज परफेक्टली इलास्टिक देन क्वांटिटी डिमांडेड इज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये आपका पॉइंट यहाँ बन जाएगा, तो इट इज़ ये आपका क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप है। तो ये आपका लास्ट क्रिटिसिज्म यही था कि उन्होंने कह दिया कि लिक्विडिटी, आपका क्रिटिसिज्म क्या है कि लिक्विडिटी ट्रैप अकॉर्डिंग टू द टोबिन इज इन रियल लाइफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट फॉल सो लो, कि इतना लो कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता ही नहीं है, कि पीपल बिकम कीन टू होल्ड ऑल देयर वेल्थ इन कैश, है ना, कि ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो जाए, है ना, कि सारा का सारा पैसा, यानी जो है कि देखो ये इनफाइनाइट, यानी इतना ज़्यादा क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी है ना, इतना ज़्यादा पैसा जो है कि वो अपने पास रखें, तो इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नहीं होता, जो कि इन्होंने डिस्कस करा है ना। सो इट वॉज ओवरऑल, यहाँ पर जो है कि इट वॉज ओवरऑल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कीन्स। ओके, तो यहाँ पर जो है कि हम लेक्चर एंड करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पर जो है कि ऑल द थ्री, वॉट एवर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ओके, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद लोनवल फंड थ्योरी और कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, वी हैव कंप्लीटेड टुडे। वॉट एवर द टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज ओनली वन टॉपिक, आई एस एल एम मॉडल इन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ओनली वन टॉपिक, दैट इज आई एस एल एम मॉडल इज लेफ्ट, एंड आई एस एल एम मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर इन यू सी नेट 3 to 4 क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम आई एस एल एम मॉडल, हो ना, वो किसी भी तरह, चाहे आपको न्यूमेरिकल हो, चाहे आपका थ्योरेटिकल थोड़ा पोर्शन हो, तो वो मैं बहुत अच्छे से जो है कि इसका पूरा मैं इसकी PPT लेकर के आऊँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।